सब्सक्राइब करें आज़ाद इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। दोस्तों बहुत सारे लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, अच्छी बात है, सभी लोग मनाते हैं, मैं भी मनाता हूँ। पर आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं कि श्री कृष्ण जो है एक वीर थे? बहुत सारे लोग उन्हें मजाक में लेते हैं, कहते हैं वो तो रणछोड़ थे, उन्होंने रण छोड़ दिया। अरे अगर उन्होंने रण छोड़ दिया होता तो महाभारत जैसा महान युद्ध क्या कोई जिता सकता था? उनके अलावा इस पूरी पृथ्वी पर कौन था जो उस महाभारत युद्ध को पांडवों को जिता सकता था? कोई नहीं था। यहाँ तक कि उस पूरी पृथ्वी पर उस समय केवल श्री कृष्ण ही ऐसे थे जिनके पास सुदर्शन चक्र जैसी महान शक्ति थी, किसी और के पास नहीं थी। हम चाहे कितना भी कुछ कह लें श्री कृष्ण के बारे में, पर वो एक वीर थे और वीर ही रहेंगे। बहुत सारे लोग मानते हैं उन्होंने गोपियों के साथ में छिड़खानी करी। अरे अगर उन्होंने गोपियों के साथ में छिड़खानी करी होती तो उनका चरित्र ऐसा नहीं होता। ये सब एक पाखंड जो होता है ना, तो पाखंडी लोगों ने उनके बारे में बना रखा है। पन्ना श्री कृष्ण सबसे उत्तम मनुष्य थे, चरित्र में उत्तम मनुष्य थे। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर वो गोपियों के साथ में छेड़खानी करते तो उन्हें कोई पूछता नहीं। आज भी अगर कोई इंसान किसी लड़कियों को छेड़ता है तो उसे पूछा नहीं जाता, पीटा जाता है। और फिर वो तो द्वापर युग था, सोचिए उस द्वापर युग में कैसे उन्होंने किसी गोपी को छेड़ सकती हैं। वो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था मेरे भाई। ये तो सब कपोल कल्पनाएं बनाए रखी हैं। उनसे ज़्यादा वीर, शौर्यवान, कीर्तिमान इंसान उस समय पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं था। फिर वो इंसान ऐसा चरित्र कैसे अपना सकता है जिसमें किसी लड़की को छेड़ा जाए या किसी महिला की आवड़ उतारी जाए? कभी नहीं हो सकता। ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। कहा जाता है उनकी 108 रानियां थी। अरे अगर 108 रानियां होती तो वे इतने शौर्यवीर नहीं रहते। ब्रह्मचार्य नाम की भी कोई चीज होती है मेरे भाई, दिमाग से ये तो सोचो जरा। इतने शक्तिशाली मनुष्य को, इतने पुरुषार्थी मनुष्य को आप लोग एक निर्झोड़ बना देते हैं, आप लोग निठल्ला बना देते हैं, आप लोग रासलीला करने वाले बना देते हैं। और जबकि वो इतने शूरवीर थे कि उन्होंने महाभारत जैसा युद्ध केवल अपने पराक्रम से जीत के दिखाया था। पांडवों में किसी के बस की बात नहीं थी। अर्जुन चीखते हैं ना कई लोग, अर्जुन के भी बस की बात नहीं थी कि वो कर्ण से युद्ध कर लेता। अगर श्री कृष्ण नहीं होते युद्ध कभी नहीं जीता जाता। श्री कृष्ण जैसे राजनीतिक के इंसान कभी नहीं हुए थे। इतनी ज्यादा राजनीति की समझ थी उन्हें जितनी किसी को भी नहीं थी उस समय। युद्ध नीति की समझ थी उन्हें, पर फिर भी हम लोगों ने क्या बना दिया उन्हें? रणछोड़। भैया वो तो रणछोड़ है, औरतों से चकल्लस करते हैं। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। आशा करता हूँ अब आप लोग समझ गए होंगे कि असली श्री कृष्ण और रणछोड़ श्री कृष्ण में अंतर क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।